नमस्कार, वक्त भारत एट नाइन का आप देख रहे हैं न्यूज़वेल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश के सामने आतंकवाद के बाद बड़ा खतरा मॉब लिंचिंग ही है, ये कहना तमाम लोगों का है। मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं देश में घट चुकी हैं। पहलू खान, तबरेज अंसारी, मोहम्मद अखलाक, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। और अगर मैं सब गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इन घटनाओं के किस्से खत्म नहीं होंगे। ये गंभीर मुद्दा है जिसे राजनीति करने के लिए भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में एक बुरे सपने की तरह भुला दिया जाता है। मॉब लिंचिंग, ये शब्द तो हर किसी ने सुना होगा। हाँ, इसका मतलब यही होता है जब भीड़ तंत्र अपने आप को कानून, अदालत सब मान लेता है और बिना सोचे समझे किसी की जान ले लेता है। सवाल ये नहीं कि जिसको मौत के घाट उतारा गया उसकी कोई गलती थी या नहीं, यहां सवाल ये है कि पहले मामले को समझो, देखो उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, तब कोई फैसला लो। लेकिन तब भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता, यह हक किसी को नहीं है। सजा देने का हक अदालत का है और साक्ष्य और सबूतों के साथ। बीते कई सालों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी दोषी मानकर मार दिया जाता है। आज ये बात इसलिए क्योंकि योगी राज में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर बर्बरता का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वाकई इंसान है या इंसानी भेष में भेड़िए। और हैरान कर देने वाली ये बात है, ये सब एक महिला ने करवाया, वो भी महिला स्कूल संचालिका ने। वीडियो भी दिखाएंगे, बशर्ते आप ये अपनी जिम्मेदारी पर देखें और बच्चों को ये वीडियो कतई ना दिखाएं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बीती रात कथित तौर पर एक नशेड़ी युवक निजी स्कूल में महिला के साथ छेड़खानी करने के इरादे से घुस आया था। फिर क्या हुआ आगे सुनते जाइए। ये है बिजनौर के अकबराबाद का ग्राफिक एरिया पब्लिक स्कूल, जहां पर बीती रात नशेड़ी युवक महिला के साथ छेड़खानी करने के इरादे से स्कूल में घुस गया, जो कि कथित तौर पर है। इसका कोई प्रमाण अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। स्कूल महिला संचालक और एक महिला टीचर साथी उसके भाइयों ने स्कूल का गेट बंद करके जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। परिजनों को सूचना मिली तो परिजन पहुंचे, छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन महिला ने क्या बोला वो जरा आपको सुनाते हैं। देखो कैसा वो भागे आदमी, भागे बल्ला आदमी, भागे वो भागे वो आदमी। ये लड़का 5 बार से हमारे यहाँ पूछा क्या गया? मैं इनफॉरमेशन लो, इसने मेरी क्या हालत की थी सबको बताया। क्या केस था, केस क्या लगवाया था उसको, केस क्या लगवाया था? अरे बाहर से खींचा, बाहर से, बाहर से कैसे लेकर उसको? क्या मतलब है लड़की बाहर से खींच लेगी? बाहर से कैसे लेकर आठ बंदे देखने उठाड़ोगे? दो लड़की बाहर से खींच लेंगे, दसवां बुला के देना। गाड़ी जब थाने से छुप कर आया था तो मना करी थी, यहाँ मत दियो तो नहीं आया वो जाने वाला था, देख तो उसको पहले क्या रखा है। अरे खैचा रोड पे से हम जोगिंग करना है।
हमें मारेगा जान से हो। अरे भागे वो आदमी तो भागे आदमी वो तो मार दिया तुमने बल्कि वो है आदमी इन्होंने अलीपुर के लौंडे बुला के थे जिन्हें दुनिया भर के लौंडे बुला के हैं अलीपुर के लौंडे क्या नाम तो सिर्फ लौंडे उसका अलीपुर का लौंडे था वो यहाँ बुला के अलीपुर का लौंडे बुला के दस बारह ना दस बारह लौंडे थे ना लौंडा क्या हाल कर दिया उसका खुन्नम खुन्ना किसी के घर उसका किसी को जबरदस्त अरे इतनी सही ना तू हंसती भाग का ही मुझे हमको पता कर दे रहा भाग जहाँ तेरा पहले स्कूल था भागता है उसको मियाँ इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में नशेड़ी युवक जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसको मारा पीटा इतनी बुरी तरीके से था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर के मुताबिक महिला स्कूल संचालिका, युवती टीचर और महिला संचालक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में थाना कुतवाली देहात पर पुलिस को सूचना मिली थी, ग्राफिक एरा एकेडमी वहाँ एक संचालिका द्वारा संचालित की जाती है, वहाँ पर एक सिकंदरपुर का रहने वाला जितेंद्र नाम का व्यक्ति गलत इरादे से घुस गया है, जिस कारण वहाँ पर संचालिका उनके दो अन्य साथियों द्वारा इक्यूलिप्टस के डंडों से उसकी मारपिटाई कर दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उसे CSC भेजा गया जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे रेफर किया गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में मृतक जितेंद्र के माता पिता का क्या कहना है वो भी सुनिए। ये लड़के से पहले रंजिश थी मास्टर ने की। अच्छा, किस चीज़ को लेकर रंजिश थी? ये लड़का मजदूरी करने गया था वहाँ तो पैसे मांगे थे तापाई, पहले ही घर मार भी थी। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे कल जेल में भेज दिया था, जेल में इसकी जमानत करा के लाया। मामला हुआ आपके लड़के के साथ? मदा वाले वहाँ जा रहे थे, मेरे लड़के के जब हम पहुँचे उसके स्कूल के सामने तो दो लड़के थे और एक मैडम थी, उन दोनों ना तीनों ने पकड़ कर ताल लिया था। कहाँ उतारा और कहाँ से आप जा रहे थे? इधर से जाते थे सड़क पर। कौन सा गाँव है आपका? सिकंदरपुर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? जाते दवा लेने, यहीं आए बहुत डॉक्टर सड़क पर ही। अच्छा, तो कहाँ उतारा उन्होंने लड़कों ने? उतारा स्कूल पर। कौन सा स्कूल है? हाई ओर यहीं सामने, तो उसको उतारा था तीनों ने, मास्टर नहीं थी और दो लड़के थे, उन्होंने ताजा मैं गिर भी जाती मैं तो बल्कि और अच्छा, मेरे भी रेपट मार दिया उन्होंने। आप साथ में थे? हाँ मैं साथ में। किस लिए उतारा उन्होंने? मारा बस उन्होंने, तो मारा फिट्टी कर उतारते ही मारना चालू कर दिया। मृतक की मां का कहना है कि उनका बेटा और वो दवा लेने के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान स्कूल के नजदीक जितेंद्र को बाइक से उतारकर दो लड़कों और स्कूल की मैडम ने पिटाई की। वहीं पिता का कहना है कि बेटे जितेंद्र की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। खैर, परिवार के बयानों के आधार पर फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, सच क्या है वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह से भीड़ तंत्र का किसी भी व्यक्ति पर हावी होना और जान ले लेना कहां तक सही है, फैसला आपका है। सोचिए, समझिए और समाज में फैल रहे घृणा भाव को हमें और आपको मिलकर ही खत्म करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।